ध्यान से सुने, आजकल बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। माता पिता खड़े रहते हैं और बच्चे बैठे रहते हैं। ध्यान से सुनना, ये बात शायद आपके मम्मी पापा कभी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा भी के भी खुद आचरण वैसे अच्छे नहीं है। ऑलमोस्ट प्रत्येक घर में ये अपराध हो रहा है, और ये अपराध है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर इसका प्रायश्चित नहीं किया तो इसके फलस्वरूप आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपको कई जन्मों तक ये कष्ट उठाना पड़ेगा। जब माँ बाप आए और आप फिर भी बैठे रहें तो ये अपराध है। आपके आदरणीय लोग आए और आप बैठे रहें, पसरे रहें बिस्तर में, तो ये अपराध है। एक और बात बता दें, आपके गुरुजी आए और आप फिर भी बैठे रहे तो ये महान अपराध है। ये महान अपराध। पर आजकल अपराध करने में तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, जानबूझ के लोग अपराध करते हैं। एक और बात बताएं, बड़ी सावधानी रखनी चाहिए अपने माता पिता के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने भगवान के आगे। कैसी सावधानी? आज शायद ये सीखने को मिल जाए, इन फ्यूचर कभी आप सीख नहीं पाओगे। ये माँ बाप के आगे, गुरु के आगे इतने इतने धीरे चलो कि तुम्हारे पैरों की आवाज तुम्हारे माता पिता गुरु के कानों तक न जाए। कहते जिनके पैरों की आवाज माता पिता और गुरु के कानों में चली गई, उनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, जितने भी सुंदर कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। और आजकल कैसे चलते हैं, चलत दशाना न डोलता बनी। गुरुजी के आगे जाके प्रणाम किया झट, और गुरुजी देखा उधर मुड़ गए, झट धड़ 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 सीढ़ी नाकते हुए पहुंच गए, कहां गए पता ही नहीं। और ऐसी आवाज कि गुरुजी जो थोड़ा बहुत भगवान को प्रणाम कर रहे थे वहां से ध्यान भंग हो गया। आपके पैरों की आवाज भी अगर गुरु के कानों में पड़ गई तो आपके जीवन के सारे सुकृत नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, इतनी सावधानी से बैठना चाहिए कि आपके पैरों के जो तल हैं वो आपके गुरु को नहीं दिखने चाहिए, आपके माता पिता को नहीं दिखने चाहिए। आपके पैरों के जो नीचे का भाग है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, तलवा। अगर वो पैरों का तलवा भी आपके माँ बाप को दिख गया, आपके गुरु को दिख गया, तो आपके सुकृत नष्ट हो गए। आजकल इन बातों को कोई मानेगा? आजकल तो कहते हैं ये सब ऐसी बातें करते हैं। ऐसे बात नहीं कि शिव पुराण की बात बता रहा हूं मैं आपको, प्रमाण है, शिव पुराण का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। एक पहाड़ी बाबा थे हमारे वृंदावन में, पहाड़ी बाबा, ये उस समय की बात है जब अंग्रेज अंग्रेजों का राज्य था, तो उनका एक चेला था बंगाल में कलकत्ता साइड का, तो पहाड़ी बाबा के विषय में गलत गलत सूचना दे दी जाके कलकत्ता में। बंगाल में भक्त काफी होते हैं, बहुत बंगाली भक्त बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्योर होते हैं वो, जिनमें बंगाल कलकत्ता से भी जुड़े हुए हमारे साथ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, पर सच्ची में वहां निष्ठा गजब की है, श्रद्धा में अपार श्रद्धा देखी मैंने, बंगाल के भक्तों में बहुत श्रद्धा होती है। तो क्या कह रहा था मैं, उन्होंने जाके पहाड़ी बाबा के विषय में बड़ा उल्टा सीधा बोल दिया। तो जब बोल दिया तो उस समय आश्रम में सेवा के लिए कुछ सेवा आती थी, उसी से संतों का भंडारा वगैरह चलता था। जब वहाँ ये सब मैसेज पहुँच गए तो वहाँ से सेवा आना बंद हो गया। जब सेवा आना बंद हो गया तो यहाँ व्यवस्था में थोड़ा सा मुश्किल होने लगी, और जब मुश्किल होने लगी तो बाबा एक बार यात्रा करते हुए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पूछा भाई क्या, बोले हमें तो ऐसे ऐसे संदेश मिला, बोले किसने दिया, संयोग से वो भी मिल गया। और जब वो मिल गया तो बाबा बाबा बड़े हट्टे कट्टे थे पहाड़ी बाबा, तो बाबा के पैर पकड़ लिए, बोले हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई उसके उनके चेले ने। तो बाबा ने कहा एक थप्पड़ तेरे गाल पे पड़ जाए तो हम इतना मानते हैं कि तू यहीं समाप्त हो जाएगा, इतनी ठाकुर जी कृपा है हमारे ऊपर, पर हम ये नहीं काम करेंगे क्योंकि हम संत हैं, हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, पर एक दंड तुझे अवश्य देंगे। बोले क्या? बोले आज के बाद तू वृंदावन की तरफ नहीं आएगा, और वृंदावन आ गया तो तू जाने तेरी फिर खैर नहीं। इतना कह के चले आए बाबा।
आप यकीन नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति मरा तो कोड हो के मरा। क्यों? बाबा नहीं चाहते थे ऐसा, पर उसने गुरु के प्रति अपराध किया, गुरु द्रोह किया, गुरु के प्रति गलत सूचनाएं दी। हमने भी अपने जीवन में ऐसा देखा है कि लोग हमारे प्रति भी, अब हम किसी का नाम, हमारे मन में सच्ची बता रहे हैं, आज भी हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, जिसने जो किया उसका भाग्य, मेरा कर्म होगा। पर आज जब मैं उनकी स्थिति देखता हूं तो बर्बाद हुए बैठे वही लोग जो षड्यंत्र करते थे। क्यों हो गए भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप अपने गुरु के द्रोह करें, आप अपने धर्म के विरोध कर कार्य करें, आपको गुरु शायद क्षमा कर दे, लेकिन गोविंद कभी क्षमा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। भगवान कहते हैं तू मेरा अपराध कर मैं क्षमा कर दूंगा, पर अपने गुरु का करेगा, मेरे भक्त का करेगा? आई एम सॉरी। तो गुरु के प्रति जब भी, धर्म के, माता जी के प्रति, पिता के प्रति, इनको भी दुख नहीं देना चाहिए। अपने माँ बाप को आप दुख दोगे, भगवान आपको क्षमा करेगा? कभी नहीं करेगा। इवन इतने सावधान रहना चाहिए कि आपके पैरों की आवाज भी आपके माँ बाप के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए संत परंपराओं में ये नियम था कि जब तक गुरुजी सशरीर रहते थे तब तक खड़ाऊ नहीं पहनते थे शिष्य, क्यों? खड़ाऊ की तो आवाज आती है ना। आजकल तो कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, पर जब तक शरीर से गुरुजी विराजमान है तब तक खड़ाऊ नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि अगर खड़ाऊ पहनेंगे तो गुरुजी के कानों में आवाज चली जाएगी। इसलिए गोविंद के आगे भी जब आप जाते हैं तो एकदम हड़बड़ी में मत जाया करो, आराम आराम से जाया करो। जितने आराम से आप जाओगे उतना ही आपका लाभ है। भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, माँ बाप गुरु को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये बहुत सारी मर्यादाएं कोई मानेगा? आजकल स्व जीवन जीते हैं, स्वेच्छापूर्ण जीवन। स्वेच्छापूर्ण जीवन जीने वालों से एक ही निवेदन है, सिवाय मृत्यु के तुम्हारे हाथ लगने वाला कुछ नहीं है, सिवाय विनाश के तुम्हारे हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। स्वेच्छापूर्ण जीवन जियोगे तो एक ही कार्य मिलेगा, वो है नाश। एक ही फल है नाश, सर्वनाश, जन्म जन्मांतरों का नाश। इसलिए स्वेच्छापूर्ण नहीं, शास्त्रपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहिए, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा।